जय हिंद स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू सिकल सेल अनीमिया विच इज़ एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. ओके, इट इज़ एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. इससे पहले मैंने वीडियो में आपको पेडिग्री डायग्राम के बारे में, पेडिग्री डायग्राम क्या होते हैं, पेडिग्री डायग्राम क्यों कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर किस कारण से होता है, पॉइंट म्यूटेशन के कारण, और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ऑटोसोमल टाइप एंड सेक्स लिंक्ड डिजीजेस, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स. फिर ऑटोसोमल में हमने पढ़ा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑटोसोमल ट्रेट जो होते हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं, फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं. ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को मैंने पढ़ाया है पहले, उसके बाद मैंने पढ़ाया ऑटोसोमल रिसेसिव. अब ये जो डिजीज़ है सिकल सेल अनीमिया, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक्ड डिजीज़ है, रिसेसिव लिंक्ड ट्रेट है. मैंने बार बार कहा है कि ट्रेट यहाँ पे डिसऑर्डर्स के बारे में आ रहा है. यहाँ ट्रेट जो कैरेक्टर है वो डिसऑर्डर है, बीमारी है, जो कि जेनेटिक म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के कारण हो रहा है. तो सिकल सेल अनीमिया का इस वीडियो में हम एग्जांपल ले रहे हैं. इट इज़ एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सा डिजीज जो है वो किस मेंडेलियन डिसऑर्डर से रिलेशन रखता है. जैसे सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोनीरिया, जो कि इसके बाद दिया हुआ है, डैट इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया, बोथ ये तीन डिजीजेज़ के एग्जांपल आपको ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में ट्रेट में पढ़ना है. आज पहला ये एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ते हैं. पहले जानते हैं कि सिकल सेल अनीमिया में होता क्या है. ओके, सिकल सेल अनीमिया मैंने पहले ही बताया है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं वो पॉइंट म्यूटेशन के कारण होते हैं. पॉइंट म्यूटेशन में तुम्हारा क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो चेंज कर जाते हैं. मींस सिंगल नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो खुद दूसरे प्यूरिन में, अगर जैसे ये ए है और ए इज़ एडिनिन एंड एडिनिन इज़ अ टाइप ऑफ प्यूरिन, देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू अनदर प्यूरिन और इट मे कन्वर्टेड इन टू अनदर पायरिमिडिन. अब हम जानते हैं कि अगर ये डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आएगा, वी नो डैट एंड वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर डैट डीएनए मेक्स एमआरएनए एंड दिस एमआरएनए कोट्स द प्रोटीन. तो अगर ये डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस जाएंगे तो ये जो एमआरएनए ट्रांसक्राइब करेगा उसके सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा, और जो एमआरएनए ट्रांसक्राइब होगा तो ये एमआरएनए ही प्रोटीन के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है. ये एमआरएनए का सीक्वेंस, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज कोडोन. तो एमआरएनए का कोडोन ही एमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है. कोडोन चेंज होगा तो एमाइनो एसिड भी चेंज होगा, क्योंकि ये कोडोन जो है डिटरमाइन करता है कि कौन सा एमाइनो एसिड अब आकर आपके प्रोटीन में, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड होगा. सो देखते हैं कि सिकल सेल अनीमिया में पहले म्यूटेशन हो क्या रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं डीएनए में. यहाँ पे डीएनए में देखो, ये जी ए जी था, ये क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन के बाद ये जी टी जी हो जाता है. अब देखो, चूंकि डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड है वो आपस में कम्प्लीमेंट्री होते हैं. इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर यहाँ जी है जी, तो ये ज्वाइन करेगा सी से. ओके, सी एडिनिन, अगर यहाँ थाइमीन है तो ये कम्प्लीमेंट करेगा ए से. मीन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन आपस में कम्प्लीमेंट्री रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं. तो जैसे ही अगर एक पैटर्न अगर यहाँ चेंज होगा तो वो चेंजेस यहाँ भी आएंगे, क्योंकि यहाँ जी ए जी था, अब ये जी टी जी हो गया. तो इस टी का कम्प्लीमेंट जो है वो नाइट्रोजिनस बेस जो है वो एडिनिन है. ओके, तो
अब जैसे ही ये कोडोन जो है, ये डीएनए जो है, अगर एमआरएनए को कोड करेगा, एमआरएनए में चूंकि आपके यहाँ ए के जगह पे टी नहीं आता है, थायमिन जो है वो एमआरएनए में नहीं होता है, तो ये जो ए आपको ए के बदले यू आएगा, ओके। लेकिन अगर जो रियल जो आपका डीएनए था, जो जिसमें सिकल सेल अनीमिया का प्रॉब्लम नहीं है, सिकल सेल अनीमिया नहीं है, नॉर्मल बॉडी है, तो उसका डीएनए ऐसा रहेगा, और ये डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा एमआरएनए जी ए जी को। लेकिन ये डिजीज्ड वाले पर्सन में ये जी ए जी जो है वो चेंज कर जाएगा जी यू जी में। इट मीन्स हम अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द चेंज अकर्स इन द एमआरएनए ऑफ हेल्दी पर्सन इन If it become sickle cell anemia, then the change is that the GAG codon of mRNA changes into GUG, okay? और ये जो कोडोन है वो सिक्स्थ प्लेस पर है, मीन्स mRNA जब हम काउंट करेंगे कोडोन को, वह आप इन सभी बातों को और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में समझ पाएंगे। तीन नाइट्रोजिनस कंटिन्यूस, थ्री नाइट्रोजिनस बेसिस को वन कोडोन कहते हैं। तो ये जो सिक्स्थ नंबर पे ये चेंज आ गया, जी ए जी जो है वो जी यू जी हो गया। तो देखिए अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा इसके प्रोटीन में, क्योंकि जो सिकल सेल अनीमिया है वो एक डिजीज़ है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है, आरबीसी का जो सेप है उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, और उसका सेप जो है वो बाई कनकेव रहता है हेल्दी में, ओके। मतलब बाई कनकेव आप स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ओवल शेप्ड बाई कनकेव। लेकिन सिकल सेल अनीमिया होने के बाद ये हंसुए की तरह हो जाता है, कटे हुए अर्ध चांद की तरह, जो आपके मून जो होता है, मून शेप, दैट इज लाइक दिस। ये अब देखिए नॉर्मल पर्सन में आरबीसी का शेप ऐसा रहेगा, लेकिन सिकल सेल अनीमिक पर्सन में आरबीसी का शेप ऐसा हो जाएगा, जिसके कारण इसमें जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता है, एरिया है, वो घट जाता है, और ब्लड की और ऑक्सीजन की ये जो पर्सन है वो परफेक्ट अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, हीमोग्लोबिन अपने आरबीसी में ये नहीं रख पाता है, क्योंकि एरिया जो है वो घट जाता है। अब ये चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन ग्लोबुलिन से बना हुआ है, ओके, ग्लोबिन प्रोटीन से, ग्लोबिन, ओके। अब ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, वो ग्लोबिन प्रोटीन भी दो तरीके का है हीमोग्लोबिन में, अल्फा ग्लोबिन, ओके, अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन। मींस हीमोग्लोबिन फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स से बने हुए हैं, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दो अल्फा ग्लोबिन एंड दो बीटा ग्लोबिन। ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इस हीमोग्लोबिन में, यहाँ पे म्यूटेशन होने के कारण ये सिक्स्थ नंबर पे रियल ग्लोबिन के, हेल्दी ग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोडोन चेंज होने के कारण ये जी यू जी जो है वो अमाइनो एसिड वैलिन को कोड करता है, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में, इस ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड के जगह पे आ जाएगा आपका वैलिन। सो What occurs in sickle cell anemia? There the codon GAG changes into GUG, और कहाँ से ये change आया, क्योंकि इसके DNA में point mutation हो चुका है। तो जब हम answer लिखेंगे तो इस codon को के बारे में लिखेंगे, क्योंकि direct relation इस amino acid के change होने का direct relation mRNA से है, ना कि DNA से। तो answer जाएगा हमारा कि the codon of mRNA that codes for ग्लोबिन प्रोटीन एट द सिक्स नंबर जी ए जी चेंजेज इंटू जी यू जी ड्यू टू विच द ग्लूटामिक एसिड एट सिक्स पोजिशन चेंजेज इंटू वैलिन। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एमाइनो एसिड, डैट इज वैलिन। और ये चेंज होने के कारण ये आर बी सी का जो सेप है वो सिकल सेप्ड हो जाता है।
तो हम यहाँ पे समझे कि इस डिजीज में हो क्या रहा है, ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डिजीज। अब हम जाते हैं इसके जेनेटिक जीन पर कि ऐसा कब होता है, किस म्यूटे, पहले तो हम पॉइंट म्यूटेशन समझ गए, लेकिन कैसा कब ये जो म्यूटेशन है वो कैसा है, होमोजाइगस है या रिसेसिव है या ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, तो ये जो आपका डिजीज है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ओके। अब हम जान रहे हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कैसे होते हैं। आप याद करिए, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं, डोमिनेंट होमोजाइगस पेयर जो है वो हेल्दी होता है, ओके, हेट्रोजाइगस पेयर जो होता है वो करियर होता है। कैसे हम कोरिलेट करेंगे यहाँ से, यहाँ हम मैं बताती हूँ। और जो स्मॉल होता है होमोजाइगस रिसेसिव, वो क्या होता है, डिजीज्ड होता है। अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन, जो सिकल सेल अनीमिया का जो हीमोग्लोबिन का शेप है वो दो अलील से गाइडेड होता है, ओके, हर ट्रेट दो अलील से गाइडेड होता है, बहुत सारे ट्रेट डिफरेंट अलील से भी गाइड होते हैं, मोर देन टू अलील्स, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे सिकल सेल अनीमिया दो अलील से गाइड होता है, दैट इज HbA एन एच बी एस, ये अलील है और ये क्रोमोजोम को डिनोट कर रहा है। क्रोमोजोम के ऊपर जो स्ट्रक्चर जाता है वो अलील को दिखाता है और ये क्रोमोजोम को दिखाता है। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन से, इसलिए एच बी सिंबल दिया गया है। और ये जो नॉर्मल ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो दो अलील से गाइडेड होता है, डैट इज एच बी ए एन एच बी एस, ओके। ये इसको हम मान लेते हैं, जो हमने रियल जो ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर पढ़ा था उसमें ए माना था, तो मानिए ये ए है और ये जो है ये स्मॉल ए है, ओके। हम वहाँ पे देख रहे थे ना, एग्जांपल ले रहे थे, लेट वन अलील बी कैपिटल ए एंड वन अलील बी स्मॉल ए, तो यहाँ मान लीजिए कैपिटल ए जो है वो एच बी ए है, क्रोमोजोम के ऊपर हम दिखा रहे हैं ये अलील है, और स्मॉल ए डिनोट कर रहा है एच बी एस को। इस चीज को अब इस लेटर से रिप्लेस कर देंगे सिकल सेल अनीमिया में, ओके, ये ए ए को रिप्लेस कर देंगे एच बी ए और एच बी एस से सिकल सेल अनीमिया में। अब देखो, जैसा कि हम यहाँ जान रहे हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैपिटल ए हेल्दी होता है, और यहाँ पे कैपिटल ए के बदले सिकल सेल अनीमिया में हम कैसा लेटर डिनोट कर रहे हैं, एच बी ए, तो एच बी ए विल बी अ हेल्दी पर्सन, कैसा होगा, ये हेल्दी होगा। अब मुझे पता है ये छोटा वाला ए यहाँ सिकल सेल अनीमिया में जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसका एलिलिक रिप्रेजेंटेशन एच बी हीमोग्लोबिन एस से डिनोट हो रहा है, तो अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखाना है हमको, ए ए वाला, ये वाला कंडीशन दिखाना है, तो यहाँ हम कैसे दिखाएंगे, एच बी, ये कैपिटल ए क्या है ये, और स्मॉल ए किसको रिप्लेस कर रहा है, एच बी एस को, दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, एंड एच बी ए एच बी एस विल बी हेल्दी बट करियर, हेल्दी दिखेगा बट करियर रहेगा, क्योंकि आप याद करो ऑटोसोमल रिसेसिव में हेट्रोजाइगस इज हेल्दी, फिनोटिपिकली हेल्दी, बट जीनोटिपिकली इट एक्ट्स एज अ करियर बिकॉज इट इज कैरिंग अ डिफेक्टिव और डिजीज काउजिंग अलील, ओके। नाउ रेसेसिव कंडीशन इज स्मॉल ए स्मॉल ए, एंड हेयर स्मॉल ए इज इक्वल टू एच बी एस, सो द डिजीज सिकल सेल अनीमिया विल बी काउज्ड इन अ कंडीशन ऑफ एच बी एस, एच बी एस विल बी अ डिजीज्ड पर्सन, ओके। तो आप इस चीज को सिकल सेल अनीमिया में याद रखिए, इस अलीलिक कम्बिनेशन को, एच बी ए एच बी ए इज हेल्दी, जस्ट लाइक इन ऑटोसोमल रिसेसिव वी हैव रेड दैट कैपिटल ए इज हेल्दी, एच बी ए और एच बी एस इज करियर, जस्ट लाइक ए बिग ए एंड स्मॉल ए इज करियर, एच बी एस
because here S is the recessive allele और A is the dominant allele in the case of HbA and HbS. जो मैंने यहाँ पे बताया है, बुक में लिखा है कि सिकल सेल अनीमिया दो अलील से गाइड होता है, HbA and HbS. इन दोनों में HbA जो है वो डोमिनेंट है और HbS जो है वो रेसेसिव है. ओके, यहाँ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर यूज नहीं किया गया है. और जब ये रेसेसिव है तो दोनों रेसेसिव जब साथ आएंगे तो पर्सन कैसा हो जाएगा, डिजीज्ड हो जाएगा. सो कंक्लूडिंग दिस लाइंस कम हेयर दैट अब आप समझ गए होंगे कि सिकल सेल अनीमिया किसी पर्सन को कब होगा, जब उसका एलीलिक कंस्टिट्यूशन कैसा रहे, HbS, HbS मींस स्मॉल ए स्मॉल ए, HbA, HbA, कैपिटल A, कैपिटल A, जस्ट लाइक ऑटोसोमल रेसेसिव हेल्दी होगा और A और ये मानिए आपका स्मॉल A है, रेसेसिव है, तो A, बिग A एंड स्मॉल A इज ऑलवेज करियर इन द केस ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव. इस बात को हम ध्यान में रखेंगे तो हमें सिकल सेल अनीमिया का कोई भी पेडिग्री चार्ट बनाने में हेल्प मिलेगा. मानो अगर एग्जाम्पल लेते हैं, देयर सो अ क्रॉस बिटवीन अ हेल्दी पर्सन एंड अ करियर पर्सन ऑफ अ सिकल सेल अनीमिया एंड सो इट्स ऑल ऑफ स्प्रिंग. तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर एक हेल्दी पर्सन है एंड इट इज होमोजाइगस हेल्दी, होमोजाइगस हेल्दी, तो कैसा होगा, एच बी ए, एच बी ए एंड इट इज मैटिंग विथ अ सिकल सेल अनीमिक डिजीज्ड वोमेन, मीन्स वो कैसी होगी, एच बी एस, एच बी एस. देन फाइंड आउट इट्स ऑफ स्प्रिंग्स, ऑल द पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग. अब हम फाइंड आउट करते हैं. नाउ इट मीन्स कि आप एक बार ये इससे क्रॉस करेगा, वट विल बी एच बी ए एंड एच बी एस. ओके, अब ये इससे करेगा एच बी ए एच बी एस, फिर ये इससे करेगा एच बी ए एंड एच बी एस, फिर ये फोर्थ एच बी ए एच बी एस. आप सेम होमोजाइगस ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में आप देखिएगा, व्हेन अ हेल्दी पर्सन इज क्रॉस्ड विद अ डिजीज्ड पर्सन, मींस कैपिटल ए इज क्रॉस्ड विथ अ डिजीज्ड पर्सन, देन ऑल द चाइल्ड आर इफेक्टिव. मीन्स इस केस में इसके सारे ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे, ए ए दैट इज नॉट इफेक्टिव, बट वट विल बी द फिनोटिपिक, फिनोटिपिक दे विल बी हेल्दी बट ऑल द चाइल्ड विल बी करियर. सभी क्या हो जाएंगे, करियर्स हो जाएंगे, क्योंकि एच बी ए और एच बी एस क्या होते हैं, करियर होते हैं. लाइक ऑटोसोमल में स्मॉल ए एंड बिग ए क्या होता है, करियर होता है. सो हेयर एच बी ए एंड एस बी एस इज करियर. इस तरह हम सिकल सेल अनीमिक पेडिग्री का सॉल्यूशन करेंगे. लाइक यहाँ पे क्वेश्चन था कि इफ नॉर्मल हेल्दी पर्सन, होमोजाइगस हेल्दी पर्सन इज क्रॉस्ड विथ अ सिकल सेल अनीमिक पर्सन, देन व्हेन अ हेल्दी पेरेंट इज क्रॉस्ड विथ अ सिकल सेल अनीमिक पेरेंट, देन ऑल द चाइल्ड विल बी हेल्दी बट दे विल बी करियर. अब हम कंक्लूड करते हैं आपका सिकल सेल अनीमिया का डिजीज, दैट इज इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. ओके, समझ में आ गया. द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाई अ सिंगल पेयर ऑफ अलील एंड अलील को यहाँ डिनोट किया जा रहा है एच बी ए एंड एच बी एस में, जो कि सिंपली हम लोग ए एन बिग ए और स्मॉल ए कंसिडर करते हैं. ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स दैट इज एच बी एस एच बी एस होमोजाइगस इंडिविजुअल सो द डिजीज्ड फिनोटाइप. यस, बिकॉज ऑटोसोमल रिसेसिव में होमोजाइगस इंडिविजुअल ही फिनोटिपिक इफेक्ट रेशियो फिनोटिपिक इफेक्ट को दिखाता है, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल ए. द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आर करियर. जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं लाइक ऑटोसोमल रिसेसिव, यहाँ पे करियर्स होते हैं. दिस इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन. ग्लूटामिक एसिड जो है वो वैलिन में चेंज हो जाता है एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. मैंने बता रखा कि हीमोग्लोबिन
चार ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ है, दो अल्फा और दो बीटा। यहाँ पे सिकल सेल अनीमिक की केस में बीटा ग्लोबिन के सिक्स्थ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर जो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वो चेंज हो जाता है वैलिन में। इट अकर्स ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द सिक्स्थ कोडोन बीटा ग्लोबिन जी फ्रॉम जी ए जी टू जी यू जी। कैसा चेंज हो जाता है? फ्रॉम जी ए जी टू जी यू जी, डैट इज दिस इज योर जी ए जी इज चेंज्ड इन टू जी यू जी। जब क्वेश्चन आएगा तो हम डीएनए के बारे में डीएनए के बारे में नहीं बताएंगे आंसर में, हम लोग आंसर देंगे व्हाट इज चेंज इज अकरिंग इन एमआरएनए बिकॉज इट इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग द अमाइनो एसिड्स। So here we study about the sickle cell anemia, that how it is an autosomal recessive disease and how it is carried on in an offspring by a healthy or a diseased parent, and try to solve all types of and make all types of pedigree chart, like if a healthy mother is crossing with a carrier father or a carrier mother is crossing with a diseased father, like this you prepare your own questions and draw the pedigree chart. Okay, thank you.